Hello friends, welcome to Healthy Cooking, Happy Living. If you really like today's video, please subscribe to my channel, hit the notification bell for further updates of new videos, like, comment and share. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ और ब्रेड क्रम्स स्टफ्ड मशरूम्स। इसके लिए मशरूम तो चाहिए और वाइट चीज़ आपका पसंद का चाहिए, ब्रेड क्रम चाहिए, सॉल्ट, पेपर, लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, ऑलिव ऑयल और पार्सली चाहिए। मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, क्वांटिटी जिसका जितना चाहिए। और बटन मशरूम मैंने 6 पीसेस ले लिया। और ये दाग देख के आप सोचिएगा मत, ये डाटी है, मैंने बहुत अच्छा करके गर्म पानी से घिस घिस के क्लीन कर लिया। ये मशरूम का खुद का दाग है। इधर मशरूम कैप बोल के ये बेचते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बड़ा बड़ा बटन मशरूम चाहिए। तो बहुत अच्छा करके चम्मच के पीछे से आप स्कूप करके निकाल लीजिए और इसको फेंकिए मत, क्योंकि ये स्टफिंग का काम करेगा। और थोड़ा सा साइड से ब्रेक हो जाए तो डोंट वरी। और अभी आपको देख के लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन बेक करने के बाद ये स्पॉन्ज की तरह है, श्रिंक करेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके स्टफिंग भरना होगा, लेकिन बहुत जेंटली कि पूरा टूट ना जाए, पूरा टूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, इधर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है कॉन्वेक्शन मोड का बेक करने का ऑप्शन, या आपके पास ओवन नहीं है, तो पूरा चीज़ बनाने के बाद कुकिंग से पहले आप सेमी थिक कॉर्नफ्लावर या मैदे का बैटर पे इसको डुबो के फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन वो इतना हेल्दी मत होगा, फिर भी आपको टेस्ट तो मिल ही जाएगा। अभी मैं ऑलिव ऑयल से थोड़ा ब्रश कर लूँगी ये ग्रीस्ड एल्युमिनियम फॉयल जो ट्रे है उसके ऊपर। मैंने एल्युमिनियम फॉयल दे दिया, तो ग्रीस्ड एल्युमिनियम फॉयल कर लूँगी इसको ग्रीस करके। फिर इसके ऊपर मशरूम देके अच्छा करके रैप करके मशरूम का पीछे लग ना जाए, बेकिंग होने के बाद स्टिक ना हो जाए, इसीलिए मैं अच्छा करके रैप करके पूरा मशरूम इधर रख दूंगी। मैंने 6 ले लिया। अब ज़्यादा बनाएंगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो जो क्वांटिटी मैंने दिखाया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया वो भी आप थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। अभी जो मशरूम निकला था उसको चॉप करके मैंने रख दिया। और इनसेट पे आपने देखा मैंने फ्रेश पर्सली यूज़ किया, वो मेरे गार्डन का फ्रेश पर्सली है। आपके पास नहीं है तो आप बॉटल्ड ड्राइड पर्सली यूज़ कीजिएगा। अभी चॉप्ड मशरूम पे मैंने डाला सॉल्ट एंड पेपर। अभी ब्रेड क्रम्स और चीज़ डाल दूंगी, ऑलिव ऑयल और फ्रेश चॉप्ड पर्सली भी डाल दूंगी। सॉल्ट थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि चीज़ पे सॉल्ट होता है। ये मैंने वाइट चीज़ लिया, 3 चीज़ ब्लेंड ग्रेटेड था। आप पार्मेजन चीज़ भी यूज़ कर सकते हो या किसी भी चीज़ ग्रेट करके आपकी चॉइस का यूज़ कर सकते हो। अभी हो गया स्टफिंग। अभी चम्मच की हेल्प से मैंने बहुत अच्छा करके, बहुत ज़्यादा करके स्टफिंग अंदर डाल दूंगी, लेकिन बहुत जेंटली डालूंगी कि पूरा टूट ना जाए। ये प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है, फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करना। अब देखिए ये तैयार हो गया। अभी इसको 400 डिग्री फ़ारेनहाइट या तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 मिनट्स बेक करना है। अभी मैं इसको ओवन पे डाल दूंगी, ऊपर खूब सारा चीज़ डाल दिया मैंने। और खाने के वक्त तुरंत मत खाइए। देखिए ये यम्मी ब्रेड क्रम और चीज स्टफ्ड मशरूम कैप्स तैयार हो गया। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बोलिएगा कैसे हुआ। अभी ये है सनफ्लावर सीड्स का एक स्नैक, ये भी बहुत हेल्दी। इसके लिए सनफ्लावर सीड्स चाहिए और चाट मसाला और लेमन जूस चाहिए। इसका भी जो क्वांटिटी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। वैसे 3 लेमन जूस, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 2 कप्स जैसे 500 ग्राम्स मैंने ले लिया। ये चाय या कॉफ़ी के साथ इवनिंग स्नैक पे, या आप रात तक काम कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। मैंने चाट मसाला पहले डाले थे, फिर मैं
डाल दिया सनफ्लावर सीड्स, एक कप डाले थे, फिर मैं और एक कप डालूंगी। अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो इवनिंग पे समोसा कचौड़ी ना खा के, चिप्स ना खा के ऐसे आप खाओ, पेट भी भर जाएगा। इस पे वॉल्यूम है, ऐसे दिखता है सीड्स लेकिन इस पे वॉल्यूम है और बहुत सारा गुण है, बहुत सारा मिनरल्स और बहुत सारा गुण है। आप गूगल करेंगे ना सनफ्लावर सीड्स को लेके तो आपको मालूम पड़ेगा। और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये ऑसम है, यम्मी है। अभी लेमन जूस मैं डाल दूंगी। ये होने के बाद आप चाट की तरह भी खा सकते हो ना, क्यूकम्बर, ऑनियन और टोमेटो, धनिया के पत्ता, ग्रीन चिली सब देके। मैंने सिर्फ बेसिक बनाया, बेसिक चीज़ दिखाया आपको, मैंने वॉल्यूम इतना बढ़ाया नहीं क्योंकि ये बेक करने के बाद आप डब्बे पे रख के 7 दिन तक रख के, बाहर ही, फ्रिज पे नहीं, बाहर रख के आप इवनिंग स्नैक्स के साथ खा सकते हो। स्नैक्स के साथ नहीं, एज एन इवनिंग स्नैक आप इसको ले सकते हो। कोई भी एडिबल सीड्स, जो खाने के लायक सीड्स है, वो बहुत ही अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, बच्चों के लिए, पेशेंट्स के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल दूंगी, मुझे टैंगी टेस्ट बहुत ही पसंद है तो मैंने लेमन जूस नहीं ज़्यादा डाला कि बहुत सौगी हो जाएगा, तो मैंने और हाफ टेबल स्पून करीबन डाल दिया चाट मसाला। इस पे आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लिए थे। ये बड़ा वाला बेकिंग ट्रे मैंने ले लिया कि फैला के मैं रख दूँ, बहुत फैला के बड़ा वाला ट्रे चाहिए। और फिर मैं बेक कर लूँगी 350 डिग्री फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट। 15 मिनट के बाद ये रेडी है खाने के लिए। मुझे थोड़ा बादाम जैसा लगा, मूंगफली जैसा, बादाम नहीं, मूंगफली जैसा। हम बंगालीज मूंगफली को बादाम बोलते हैं और आलमंड को आलमंड बोलते हैं। अभी मैं ओवन पे डाल दूंगी इसको 350 डिग्री और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट बेक कर लीजिएगा। आपके पास कॉन्वेक्शन मोड का माइक्रोवेव है, उसमें भी आप बेक कर सकते हो, वो भी ओवन का काम करते हैं। अभी रेडी हो गया मेरा यम्मी सनफ्लावर सीड स्नैक। इसको भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, देखिए कितना कुरकुरा क्रिस्पी हुआ। और मैंने जैसे बोला, आप इसके साथ खीरा, मतलब क्यूकम्बर, ऑनियन, टोमेटो, धनिया के पत्ता, ग्रीन चिली डाल के मिला के भी खा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे ड्राई ड्राई ही पसंद है। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।